वैसे तो मुंबई को भारत का फिल्मी दुनिया का केंद्र माना जाता है, पर अब मिनी मुंबई के नाम से जाना जाने वाला इंदौर भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इंदौर में इंदौर के कलाकारों ने मिलकर एक वेब सीरीज उल्लू बनाई है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होने वाली है। इस हॉरर कॉमेडी वेब सीरीज में कई सीन राजगढ़ के पास किले में भी शूट हुए हैं और वेब सीरीज को बनाने में कुल 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। क्या आपको टफ लगा एक्टिंग करने इस मूवी में? नहीं, टफ तो ज़रा भी नहीं लगा, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं बंटी ठाकुर, उन्होंने कैरेक्टर को इतने अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया था, समझा दिया था कि क्या करना है। क्योंकि कैरेक्टर टिपिकल ये था, एक तो भूत का कैरेक्टर करना है और दूसरा वो एक महिला मतलब किन्नर है वो, तो ये थोड़ा सा टिपिकल टास्क था, लेकिन बहुत ईजीली हो गया, ज़्यादा परेशानी आई। किस तरह से ये मूवी रहेगी, किस तरह? ये इस मूवी का आकर्षण ये है कि इसमें पब्लिक को मतलब सोचने का मौका नहीं मिलेगा। कट टू कट मूवी है, कॉमेडी है और हॉरर है, और एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये लोग पसंद करेंगे। किन्नर की जरा को लेकर जिस तरह से आपने रोल प्ले करा, तो कुछ परेशानी आ रही है कि मतलब उनको चाल ढाल या इस तरह से बोलने या इस तरह से कुछ? एक्टर हूँ मैं, एक्टर के लिए फिर कोई भी कैरेक्टर करना तो चैलेंजिंग रहता है। ये किन्नर का कैरेक्टर बस फील करते हैं और हो जाता है अपने आप, ईश्वरी कृपा है कि फिर होते ही चला जाता है। अभी तक कितनी फिल्मों में आपने काम कर लिया और इस फिल्म में क्या अनोखा देखने को मिला और करने को मिला? मैंने मतलब सबसे पहले फिल्म मैंने की थी 93 में, काकी कामनी कौशल जी के साथ मैंने एक फिल्म की, जब मैं छोटा बच्चा था। उसके बाद मैंने मर्यादा सीरियल किया DD1 के लिए, गहरे पानी पेट किया, फिर मैं हट गया उससे, मैं थिएटर वगैरह करने लगा, एक तो और काम सीखना बाकी है। फिर मैंने ETV में मैंने काम किया, लखनऊ में एंकर था, उसमें मैंने एंकरिंग करता था, तो वो मैंने वहाँ पर कुछ सीरियल ही मैंने किए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बाबू रागरिया साहब और महेश सेंगर जी के साथ एक फिल्म की इच्छाधारी, मजाक मजाक में की थी, लेकिन लोगों ने काम को बड़ा पसंद किया, मैंने कि यार कुछ करने लगे, कुछ होने लगा। उसके बाद बहुत सारी यहाँ फिल्में, जो भी फिल्में बनती हैं, अच्छा कैरेक्टर होता है तो मैं कर लेता हूँ, अन्यथा तो फिर मैं साथ तो सबका देता ही। ठीक है जी, मेरा नाम राघवेंद्र तिवारी है, मैं एक्टर हूँ और ये मेरी फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है। VLF लाइव पे आ रही है, OTT प्लेटफॉर्म पे, चाहूँगा वेब सीरीज वर्जन में, और मूवी आगे भी भविष्य में प्लान है कि इसको टाइगर में लगाया जाए, है ना, तो और भी ज़्यादा मजा। हॉरर मूवी में क्या है कि सीधा देख लेना चाहिए, कट्टे ऊपर देखने में थोड़ा सा मज़ा चला जाता है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिल्म ऐसी है कि इसको देखने में मज़ा आएगा, हमने वैसा भी करके देखा तो अच्छा लगा। ये वेब सीरीज है, क्या इसका उद्देश्य है? ये हमने डेविल उल्लू द गेम ऑफ डेविल करके जो वेब सीरीज बनाई है, इस वेब सीरीज को हमने नरसिंहगढ़, मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ शहर में शूट किया है, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ हमने इस हॉरर कॉमेडी एक्शन वेब सीरीज को शूट किया है। इंदौर के कलाकारों की? नहीं, इसमें सिर्फ इंदौर के कलाकार तो हैं ही, MP के कलाकार भी हैं और मुंबई के कलाकार हैं। इसका प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन सब इंदौर में हुआ है? हाँ, इसका प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन और VFX वगैरह का पूरा काम इंदौर में हुआ है, कुछ पार्ट पुणे से हुआ है। किस प्लेटफॉर्म पे ये लॉन्च होने वाली है, कब? ये इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं श्री डॉक्टर ब्रजेश वर्मा, जिन्होंने एक पेंटिंग करके फिल्म बनाई है, तो उनका एक OTT प्लेटफॉर्म है BLF लाइव, उस प्लेटफॉर्म पे ये वेब सीरीज 16 अक्टूबर से स्ट्रीम हो रही है। सर, ये वेब सीरीज में क्या बताया गया है, किस तरह का कंटेंट है? ये एक्चुअली एक हॉरर कॉमेडी जॉनर का कंटेंट है और फुल एंटरटेनमेंट है, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक एंटरटेनमेंट 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 है। तो जो छोटे शहरों के? नहीं, आजकल इंटरनेट वाली दुनिया है, छोटा शहर बड़ा शहर कुछ भी नहीं हो गया आजकल, आजकल हर जगह, अभी MP में इतना ज़्यादा, मतलब मुंबई से भी शूट करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउस की टीम्स आ रही हैं, TVF सीहोर के पास में शूट कर रहा है, भोपाल में अक्षय कुमार और बाकी ए ग्रेड के सारे स्टार्स की फिल्में भोपाल और भोपाल के आसपास शूट हो रही है, तो छोटा बड़ा शहर का तो कुछ भी नहीं है आजकल, मुंबई में जितना शूट नहीं होता है मुंबई के बाहर शूट होता है। आप जैसे प्रोड्यूसर को कितना फायदा मिलेगा, जिस तरह से MP की ओर रुख कर रहा है डायरेक्टर प्रोड्यूसर बड़े लोग? देखिए, क्या होता है कि हमें बस एक ही समस्या आती है कि हमारी जो प्रदेश की गवर्नमेंट है वो सब्सिडी रिलीज तो करती है फिल्मों के लिए, बट वो हम छोटे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए उन्हें कोई सिंगल
नी बना रखी है। बड़े बड़े स्टार्स के लिए सब्सिडी इतनी आसानी से मिल जाती है उन लोगों को, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को सब्सिडी लेने के लिए पसीना आ जाता है। तो हम ये चाहते हैं एमपी गवर्नमेंट से जो नई गवर्नमेंट आए वो इजीली इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को भी, मतलब जो एमपी के फिल्म मेकर हैं उनको बढ़ावा दे ताकि वो आगे और अच्छा अच्छा कंटेंट बना पाए। इस वेब सीरीज को बनाने में कितना, इस वेब सीरीज को बनाने में बहुत ज़्यादा ये मान के चलो कि फिर भी 50 लाख रुपए के आसपास फिल्म को बनाने में, वेब सीरीज को बनाने में लगाया हमने। ठीक, आपका नाम बता। मेरा नाम है, मैं राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बंटी ठाकुर हूँ, मैंने इस फिल्म और वेब सीरीज को लिखा है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।